अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और यहाँ मैं अपनी बेटी को लेके गई थी, अभी हमारे घर के नीचे छोटा सा प्ले एरिया बना हुआ है और यहाँ पे मैंने कैप्चर की थी वीडियो, जो कि मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये ब्यूटीफुल से फ्लावर। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी क्यों ना इसको शेयर करूँ, फिर आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और आप लोगों से तो हर चीज़ शेयर करना मस्त बनता है। तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, देख के आंखों को अच्छा लग रहा था, ऐसी पॉजिटिविटी से आती है ना ऐसी चीज़ें देख के। आप बताइएगा, आप किस किस को फूल अच्छे लगते हैं? मोस्टली लोगों को तो अच्छे लगते हैं फूल, क्योंकि कुदरत का एक ऐसा हसीन तोहफा है कि इसकी खुशबू, इसके कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी खेल रही थी बैठ के स्टैंड में, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो जस्ट हम अभी गए थे और थोड़ी देर के लिए गए थे क्योंकि मैंने उसको नहलाना था, उसके मैंने ऑयलिंग की थी बालों की। तो उसको साइकिल चलाने से और अपना स्कूटी चलाने से ज़्यादा शौक होता है कि वो इधर बैठ के खेल ले, उसको बहुत अच्छा लगता है मिट्टी में खेलना। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा हमने लगाया था क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, हवा चल रही थी लेकिन फिर भी धूप बहुत तेज़ पड़ रही थी। तो मैंने उसे कहा कि चलो थोड़ा सा खेलो फिर चलते हैं। और ये क्लिप है जी थोड़े दिन पहले का, हम गए थे शॉपिंग के लिए यानी ग्रॉसरी करने के लिए, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने नीचे टेप्स लगाई हुई है। 2 मीटर्स का डिस्टेंस रखना तो यहाँ पर मस्ट है, और मास्क जो है, विदाउट मास्क आप कहीं एंटर नहीं हो सकते, ये मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था। तो ये सब चीज़ें हमारी ही सेफ्टी के लिए हैं अगर हम इन पे गौर करें तो। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि आजकल पाकिस्तान में जो है कोरोना इतना फास्ट फैल रहा है, इतनी बुरी तरीके से फैल रहा है, और ये हम लोगों की इतनी गलती है कि हम लोग केयर नहीं कर रहे। और अगर 50% लोग केयर कर भी रहे हैं तो जो दूसरे 50% है वो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं। और लोगों को इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं कि अगर वो अपनी सेफ्टी नहीं करेंगे तो इसका मतलब वो दूसरों की सेफ्टी भी नहीं कर रहे। तो प्लीज़ अपना भी ख्याल रखें और अपने लव वंस का, अपने फ्रेंड्स का, अपनी फैमिली का ख्याल करें, क्योंकि जब आप अपना ख्याल करेंगे तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स सब सेफ रहेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला से अब यही दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस वबा को, इस बीमारी को ख़त्म कर दे, क्योंकि बहुत हो गया। कितनी ज़्यादा इंसान कितना घर के अंदर रह सकता है, कितना कंट्रोल कर सकता है। वहाँ पहले हम भी बहुत घर के अंदर थे, मैं बिल्कुल ग्रॉसरी के लिए नहीं जाती थी कि मेरे साथ छोटी बच्ची है, तो मैं अपने हस्बैंड को ही भेजती थी। लेकिन जब जाहिर है हाउसवाइफ ना जाएं, घर की कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं, और समटाइम फिर होता था कि मुझे जाना पड़ता था। लेकिन अब तो खैर हम नॉर्मल रूटीन में जाते हैं लेने के लिए, अब कितनी देर घर के अंदर अपने आप को बंद कर सकते हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जल्द से जल्द हम लोगों को इस वबा से, इस बीमारी से जान छुड़वाए, हमारी आमीन सुम्मा आमीन। ये व्लॉग हमारी वीकली ग्रॉसरी का है, जो कि कभी कभी 2 हफ्ते बाद भी हो जाती है इसमें, क्योंकि मेन जो होता है वो वही दूध, दही, अंडे, ऐसी चीज़ें होती हैं। और एग्स भी आजकल ज़्यादा नहीं खाए जा रहे क्योंकि गर्मी हो गई है और मौसम चेंज हो जाए तो थोड़ी रूटीन भी बंदे की चेंज सी हो जाती है। और साथ ही ये व्लॉग है जी लास्ट संडे का, जब मैं गई थी अपने इन लॉज की तरफ, तो वहाँ मैंने बनाया था ये आलू गोश्त, आलू चिकन। वैसे मेरे मुंह से हमेशा ये निकलता है आलू गोश्त और कुछ, और साथ मैंने चटनी बनाई थी, भुने चावल बनाए थे और साथ में सैलड बनाया था। तो अच्छा लगा था उस दिन खा के, मज़ा आया था, क्योंकि आप काफ़ी टाइम बाद एक चीज़ खाओ तो अच्छा लगता है खा के। मेरे घर में नहीं बनता, मेरे हस्बैंड को इतना ही शोबे वगैरह पसंद नहीं आते, वो ड्राई चिकन या ड्राई सालन ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जस्ट उस दिन हमने उधर जाके बनाया था, जब उन्होंने कहा कि क्या बनाना है तो उन्होंने कहा ये बनाना है, तो मैंने कहा चलें ठीक है फिर यही बना लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसे मेरे हस्बैंड ने भी शौक से खा ही लिया था, और खाने के बाद कह रहे थे कि हाँ अच्छा बनाया है, क्योंकि इतनी देर बाद खाएं तो अच्छा लगता है ना, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और साथ ही इसके बाद हमने खाई थी आइसक्रीम, आइसक्रीम लेके आया था मेरा देवर, तो मज़ा आया, टाइम अच्छा गुजर गया। और छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।